Hey guys, आज हम बात करेंगे कि अपनी MS Word के किसी भी document में हम footnote और endnote को कैसे use कर सकते हैं। अब सबसे पहले footnote की बात कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे references tab के अंदर। references tab पे क्लिक करते ही बिल्कुल अगर हम जाएं ठीक है left side से second पे हमारे पास footnote का पूरा ये box आ जाता है। इसमें सबसे पहले है insert footnote। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंसर्ट footnote, footnote हमेशा हर पेज के एंड पे अप्लाई किया जाता है ठीक है। फॉर एग्जांपल कर्सर हमने ये थर्ड वाली लाइन पे रखा, यहाँ भी हमने कर्सर रख लिया। अब हम जैसे ही इंसर्ट footnote पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल इस पेज के लास्ट में हमारा footnote आ जाएगा। अब कर्सर हमने यहाँ रखा ठीक है थर्ड लाइन पे, एंड देन इंसर्ट footnote पे क्लिक किया। अब इंसर्ट footnote पे क्लिक करते ही हमारा कर्सर बिल्कुल पेज के लास्ट पे चला जाएगा, ये हम देख सकते हैं ठीक है। और ये छोटा सा वन भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ठीक है। अब यहाँ पे आप फुट नोट कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट एनीथिंग एट द एंड ऑफ द पेज। यहाँ पे कोई भी वर्ड कोई मुश्किल है उसको आसान वर्डिंग में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी फुट नोट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर जहाँ आपने कर्सर रखा था ठीक है, वहाँ एक छोटा सा वन लिखा हुआ गया, उस पर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको नोट नजर आएगा। अब उसको कहीं और रखना चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको कट कर लें उसे, एंड देन नीचे वाली लाइन पर अगर आप रखना चाह रहे हैं तो देन वहाँ पर पेस्ट कर देंगे ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको ये फुट नोट शो हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली आप फुट नोट को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा फुट नोट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लिक से पहले अपना कर्सर रखा ठीक है, ये हमने क्लिक से पहले कर्सर रखा, इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक किया तो पहले वन आ रहा था, अभी हमारे पास टू लिखा हुआ आ रहा है, भी हम देख सकते हैं। इट्स मीन कि हमारा सेकेंड ये फुट नोट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया प्रैक्टिस वॉक ठीक है, देन वो जो जहाँ भी कर्सर रखा था ठीक है, जहाँ टू लिखा हुआ रहा है, अब यहाँ पे भी हमें नोट शो हो रहा है, वन पे भी, टू पे हमें सेकंड वाला जो नोट हमने लिखा फुट नोट वो हमें शो हो रहा है। तो इस तरह फुट नोट बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं किसी भी मुश्किल वर्ड को आसान वर्डिंग में करने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट है एंड नोट। एंड नोट को बेसिकली डॉक्यूमेंट के लास्ट पे यूज़ किया जाता है। अब कर्सर आपका कहीं पे भी हो ठीक है, इंसर्ट एंड नोट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कर्सर हर पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो ये हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के लास्ट पे हम आ गए, और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा आई लिखा हुआ आ रहा है ठीक है, इंसर्ट एंड नोट की वजह से ये आई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट का कोई एक शॉर्ट सा पैराग्राफ या कोई एक शॉर्ट सी लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, एंड पे डॉक्यूमेंट के एंड पे कि ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ के बारे में है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जहाँ आपका ये पहले कर्सर था वहीं पर ये आई लिखा हुआ भी हमें शो हो जाएगा, ये हम देख सकते हैं ठीक है। यहाँ हमारा कर्सर था तो यहाँ पे आई आ गया और इस पे हमें नोट भी शो हो रहा है एंड नोट ठीक है। अब इस आई को हम थीन से पहले लिखना जा रहे हैं तो यहाँ से कंट्रोल एक्स का केस आई को कट कर लेंगे ठीक है, कंट्रोल एक्स या कट हो गया, और यहाँ थीम से पहले जाके या कहीं वो अगर हम लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे तो वो आई वही भी आ जाएगा, और उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो हमें वहाँ पे एंड नोट नजर आएगा। तो इस तरह फुट नोट और एंड नोट्स को आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। मोस्टली बुक्स में ये होता है कि कोई मुश्किल वर्ड है कुछ सिंपल वर्डिंग में आप उसको लिखना चाह रहे हैं जो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड फुट नोट, इसमें बेसिकली आप व्यू कर सकते हैं आपके फुट नोट प्रीवियस को नेक्स्ट को इस तरह। अब शो नोट्स में क्या है कि व्यू फुट नोट एरिया, इस पर क्लिक करेंगे फुट नोट वाला एरिया भी आपका पर्सर चला जाएगा, और व्यू एंड नोट एरिया पर क्लिक करके ओके करेंगे तो एंड नोट वाले एरिया पर आपका पर्सर चला जाएगा। इस तरह फुट नोट एंड नोट को हम MS Word में यूज करते हैं। थैंक यू।